आम तोड़ने से मना करने पर भड़के दबंगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर पति पत्नी समेत चार लोगों को अधमरा होने तक पीटा। शिवपुरी जिले के बौती थाना क्षेत्र के भौती कस्बे से दबंगाई का मामला सामने आया है। आम तोड़ने से मना करने पर भड़के दबंगों ने एक पति पत्नी के साथ जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित दंपति जब घटना की रिपोर्ट भौती थाने में दर्ज कराकर रात में घर लौटे तो आरोपियों ने फिर से पति पत्नी और उसके दो भाइयों पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर अधमरा होने तक पीटा। दबंगों के इस मामले में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बहुत ही थाना पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती राजपति केवट निवासी भौती ने बताया कि उसके खेत पर लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने को लेकर उसके पति का सुबह गांव के ही हरिनिवास प्रजापति सनी प्रजापति से विवाद हो गया, जिसके बाद हरिनिवास प्रजापति सनी प्रजापति ने उसके पति राजकुमार केवट और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। घटना की रिपोर्ट भौती थाने में दर्ज कराकर घर लौटने पर हरिनिवास प्रजापति सनी प्रजापति और पूरन प्रजापति ने फिर से लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर मेरे और मेरे पति राजकुमार केवट और देवर सुनील केवट और राजेश केवट के अधमरा होने तक मारपीट की। सिर में कुल्हाड़ी लगने से उसे गंभीर चोट आई। इसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट में ना तो कुल्हाड़ी से हमला करना दर्शाया और ना ही तीसरे हमलावर पूरन प्रजापति का नाम FIR में दर्ज किया। महिला ने इसकी शिकायत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर दर्ज कराने की बात कही है। क्या नाम है आपका? राजपति केवट। कहाँ रहती हैं आप? बहुत ही टंकी मोहल्ला। हाँ जी, आपको मारपीट किसने की, किस बात को लेकर की? कुछ नहीं, ऐसे हमारा कैरी आम है, आम पे मतलब उसने चोरी से अमिया तोड़ी तो हमने उनसे बोला कि आप मतलब हमारी आम मत तोड़ो, तो उसने ज़बरदस्ती बोला कि तेरे बाप का है क्या ये आम। तो फिर उसने बोली देखो ना तो मैं गाली गलौज करना चाहता ना मैं आगे कोई लड़ाई बढ़ाना चाहता, तुम धीमी चाल से बात करो। तो उसने बोला यदि एक बाप से पैदा हो तो यहीं पर खड़े रहना, 5 मिनट रुक। फिर उनने बोला हाँ कहीं मैं यहीं खड़ा रहूँ। वो तैसे आए बाप बेटा दोनों, तो वहाँ से बस उनने घेरा डाल लिया मेरे पति को। क्या नाम है उनके बाप बेटे का? मेरे पति का नाम राम कुमार केवट। अब बस उनका? उसका हरिनिवास प्रजापति और सनी प्रजापति व पूरन प्रजापति। अच्छा। तीनों ने घेरा डाल लिया, फिर उन मेरे पति को मारा पीटा। इसके बाद में फिर थाना कचहरी हुआ, फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थाना में। फिर मेरे छोटा देवर गया मंजिले देवर के लिए कुगाफे करने खेत पे, तो वहाँ पे गाड़ी से गए तो गाड़ी पे इन्होंने ने घेरा डाल लिया। इन्होंने हमें फोन लगाया जब तक इनको दे देखे इनने लस्त कर दिया बिगड़ हो। आपको किसने मारा ये सिर में? फिर इन्होंने हमें फोन लगाया, फिर हम गए तो हमने वहाँ पे देखा सो हमने अकेले हाथ लगा पाया अपने छोटे देवर से कि जी तो बेहोश हो गया इतने में। उधर से सनी प्रजापति ने उसके लड़का ने छोटे ने वो आन के हमारे सर में कुल्हाड़ी मार दी। थाने में रिपोर्ट लगाई आपने? थाने में रिपोर्ट डाली तो थाने वालों ने कुल्हाड़ी नहीं लिखी, उसमें डंडा लिखा है। फिर इसके बाद में फिर हमें खुद कुछ भी पता नहीं है, हम तो बेघर उसको तय हो गए थे। कितने लोगों को मारा है? हमारे घर में 4 सदस्य। तो सबसे गहरी चोट हमें आई और बाकी की सबको मूंदी चोटें आई। क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमें उन्हें सजा मिले, न्याय मिले, हमें न्याय मिले। गरीब आदमी है हमारे पास, वो तो पैसा इन से मिले हुए हैं, बानियन से मिले हुए, हमारे पास तो कोई नहीं है, आगे पीछे खेती है। तो आम तोड़े थे, आम का पेड़ आपके खेतों में लगा हुआ था? हाँ, हमारे खेत में है और हमारा ही है, बुजुर्ग लगा के गए थे।